ऑरेंज आइसक्रीम बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पहला है व्हिपिंग क्रीम, दूसरा कंडेंस मिल्क और एक ऑरेंज जूस। मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस लिया है। आप फ्रेश ऑरेंज जूस से ही आइसक्रीम बनाएं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस तरह से जो मार्केट में भी मिलता है सीजनल। आप किनू से भी बना सकते हैं, पर किनू और इसका टेस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। ये ऑरेंज मिलता है तो इसी से बनाया। मैंने कंडेंस मिल्क होममेड यूज किया है, ये मार्केट में भी मिलता है। अगर आप कंडेंस मिल्क कैसे बनाए जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देखें। व्हिपिंग क्रीम को हम साइड रखेंगे। अब इस दोनों को हम एक में मिला लेते हैं, इसे हम बाद में यूज करेंगे, तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं दोनों अच्छी तरह से मिल गया है, इसे साइड रखेंगे। मैंने इसे बॉल में व्हिपिंग क्रीम को ट्रांसफर कर लिया है। बीटर की हेल्प से हम इसे व्हिपिंग क्रीम को बीप कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को स्टिक पिक आने तक हम इसे बीप कर लेते हैं। यह मेरा व्हिप क्रीम स्टिक पिक आ गया है। अब इसमें जो मिक्सचर रेडी करके रखे थे कंडेंस मिल्क ऑरेंज का, इसमें हम डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, मिला लेंगे। इसमें हम एक बूंद कलर मिला रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो कलर नहीं मिला सकते। ये ऑरेंज कलर है, ऐसे ही मिला लेते हैं। जो साइड साइड रखे व्हाइट व्हाइट रह गए, इसमें अच्छी तरह से स्पैचुला से कर लेते हैं। उसके बाद एक बार आप चमचा से चला लेंगे, इसे ही अच्छी तरह मिल जाते हैं। इस स्टेज पे आप चाहे तो इसमें ऑरेंज सेंस भी डाल सकते हैं, पर मैं आज ऑरेंज सेंस नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ओरिजिनल फ्रेश जूस यूज किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम एक कंटेनर ले लिए हैं, जिसमें हम आइसक्रीम को जमाएंगे और हम इसमें डाल लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। वैसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसका जो कवर है, इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। अब जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए। इसे हम ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देंगे। मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है, अब इसे ओवरनाइट मैंने रखा था। देखिए इसके अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। देखिए ये कितना क्रीमी बना है।